में प्ले कर देना रिकॉर्ड। बिहार में जिस तरीके से राजनीति हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे, खासतौर पे 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भाई 100 से नहीं, आंकड़ा 200 प्लस का है। मैं खुद में मसरा गया हूँ और इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सिर्फ 100 ही नहीं 200 से ज्यादा लोगों की हत्या वहाँ पे की गई है। और ऐसे में इसीलिए आज सदन में ही मैंने इस विषय को उठाया कि ऐसे में ये सदन खामोश नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री खामोश हैं और उनकी खामोशी कहीं ना कहीं एक मौन समर्थन है ऐसे असामाजिक तत्वों के प्रति। तो ऐसे में महामहिम राज्यपाल जी से भी हम लोग मिले थे, उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया था और आज सदन से भी मैंने आग्रह किया है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। ऐसा कहा जा रहा है कि जो शराब आ रही है वो यूपी से और बीजेपी रूल स्टेट से आ रही है, बिहार से आ रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? अच्छा, अगर आ भी रही है तो फिर आपका प्रशासन क्या कर रहा है? क्यों उन सीमावर्ती इलाकों में इतनी मुस्तैदी नहीं है? कैसे आयात हो पा रहा है? कैसे तस्कर स्मगलिंग करा पा रहे हैं? या कैसे अब तो भाई तस्वीरें सामने आई हैं जहां पे आपको अवैध शराब का निर्माण हमारे ही प्रदेश में होते हुए दिख रहा है, उस पे भी अगर प्रशासन और सरकार खामोश है तो कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता इसमें दिखती है। और सीएम साहब आपके कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा और जो पिलाएगा वो मौज करेगा, इसी नीति पे मेरे मुख्यमंत्री आज की तारीख में काम कर रहे हैं प्रदेश में। आप सीबीआई और ईडी की भी डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल, सीबीआई की जांच होनी चाहिए जितनी हत्याएं हुई हैं इसको लेकर। और बिहार में अब भाई राष्ट्रपति शासन लागू करने के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं।